Sorry, you are. अभी आ रही आवाज? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. मुझे बताइए, इतने ही लोग कनेक्ट होते हैं हमेशा कि इससे ज्यादा होते हैं? नो मैम, इससे ज्यादा होते हैं. ओके, तो अभी कम है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें वेट करना है? मैम 5 मिनट वेट कर लो, सब आ जाएंगे. ओके ओके ठीक है. तो कल हमने सिलेबस देखा था, समझ में आ गया था सबको सिलेबस? यस मैम. यस मैम. हमारा फर्स्ट मॉड्यूल देखेंगे, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ फूड सर्विस इंस्टीट्यूट एंड सर्विस सिस्टम्स. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. सो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, जस्ट वेट फॉर. और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा हमें? मैम अप टू 110, मतलब लड़कियां ज्वाइन हो जाती हैं. अच्छा, 10 मिनट्स. मैं अगर 10 मिनट्स आफ्टर ज्वाइन करूँ तो चलेगा? लाइक डेली? अभी तो मैंने ज्वाइन कर लिया है. मैं 1:10 को ज्वाइन करूँगी तो मुझे सब लोग मिल जाएंगे, है ना? यस मैम. ओके. चलो ठीक है, फिर भी काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं. सो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ.
दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो ये हमारा सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट और व्हाट इज फूड सर्विस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, फूड सर्विस मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे फूड सर्व किया जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह हमें पता है, जैसे होटल्स है, धर्मशाला है, हॉस्पिटल्स है, वेज है, कैफे है, और बहुत सारे जो वेंडर्स है जहाँ पे रोड साइड वेंडर्स होते हैं प्रोवाइडिंग फूड। अगर हम बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करें तो जैसे हॉस्पिटल स्टाफ, बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या 100-bedded हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी फूड सर्विस सप्लाई होता है, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाता है फूड सर्विस का। रेलवे का फूड सर्विस इज बिग इंस्टीट्यूट, सांसद फूड सर्विस इज अ बिग इंस्टीट्यूट, एंड एयरफोर्स इज नॉट अ वेरी बिग बट स्टिल इट्स ऑल्सो अ बिग इंस्टीट्यूट। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमको पता है जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, या फिर कुछ ऐसे है जो पर्सनली अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, फूड सर्विस इंस्टीट्यूट को। तो दे ऑल आर कम्स अंडर फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। उनको डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती है, ऐसा नहीं कि बस एक कमरा ले लिया और उसमें फूड सर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ मैनेजमेंट बिहाइंड दैट, बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, देन आफ्टर दैट ही हम उस सर्विस को चला सकते हैं। तो फूड सर्विस का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो फूड सर्विस और कैटरिंग इंडस्ट्री डिफाइन दोज बिजनेस इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मील प्रिपेयर आउटसाइड द होम। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रेस्टोरेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, कैफेटेरियाज, कैटरिंग ऑपरेशन एंड मेनी अदर फॉर्मेट्स। The companies that supply food service operators are called food service distributors. ठीक है, जो food provide करते हैं उनको हम food distributor बोलते हैं। Food service distributors sell goods like small wares, kitchen utensils and food. Some companies manufacture products in both consumer and food service version. The consumer version usually comes in individual size packages with elaborated label designed for retail sale. The food service version is packaged in much larger industrial size and often lack the colorful label design or consumer version. ठीक है, food service area में ऐसा ही नहीं कि बस food provide करना है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। कोई food pack करके sell करता है, बहुत सारे food services में जो utensils काम करते हैं, जो हमें लगते हैं उनको भी sales करना, they also comes under the food service area. ठीक है, so फूड सर्विस एरिया हमें पता चल गया है, हम किसको बोल सकते हैं फूड सर्विस एरिया और फूड सर्विस इंस्टीट्यूट्स। कोई बताएगा क्या क्या है फूड सर्विस इंस्टीट्यूट्स? मैम हॉस्पिटल्स, कैंटीन्स, प्राइवेट कैफेटेरियाज, होटल्स, ये सारे इंस्टीट्यूट है जो हमें फूड सप्लाई करते हैं। ठीक है, फूड आउटसाइड फूड हमारे लिए एक नीड हो गया है नाउअडेज, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई आउट ऑफ स्टेशन जाता है, आउट ऑफ एरिया जाता है, आउटिंग के लिए जाता है, तो दैट टाइम इज नॉट पॉसिबल कि ऑल टाइम आप अपना टिफिन कैरी करो, अपना फूड कैरी करो, तो दैट टाइम ये सारी चीजें हमें काम आती है। एंड नाउ इट इज अ ट्रेंड कि हमें बाहर खाना खाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, घर के खाने के अलावा इतने सारे ऑप्शन हमें बाहर मिल जाते हैं कि हमें घर का खाना पसंद नहीं आता है, एंड अनवॉन्टेडली हम इसी जगह पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस हो गया है फूड सर्विस का, क्योंकि लोग हमेशा नया टेस्ट चाहते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, द फूड इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड इन क्वांटिटीज फॉर ग्रेटर देन दोस यूजुअली डन इन होम, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ फूड सर्विसेस में क्या होगा, छोटा सा भी एक एरिया हो सकता है, जैसे एक छोटा होटल है, हमने देख लिया, जैसे पिज्जा हट है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट या फिर छोटा सा होटल हम उसको बोल सकते हैं। और हमने अगर नागपुर की बात की तो रेडिसन, हेरिटेज, प्राइड, ये कैसे हो गए, बहुत बड़े होटल्स हो गए, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, जहाँ पर इनका जो फूड सर्विस रहेगा वो बहुत लार्ज रहेगा,
उसमें बहुत सारे टाइप्स रहेंगे और बहुत सारे मैनेजमेंट उसमें हमें देखने को मिलेगा. वहां पर ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फूड, देयर आर सो मेनी क्वालिटी, देयर आर सो मेनी क्वांटिटी वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी. बट इफ यू आर गोइंग फॉर पिज्जा हट और मैकडोनल्ड्स, आपको वहां पर सिर्फ पिज्जा के टाइप्स मिलेंगे और समथिंग मॉकटेल कोल्ड ड्रिंक, तो फिक्स रहता है. बट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दिस इज नॉट फिक्स. अगर आप हॉस्पिटल की बात की जाए तो वेरी बिग इंस्टीट्यूट, रेलवे की बात किया जाए तो वेरी बिग इंस्टीट्यूट, वहां पर भी जो खाने का क्वांटिटी होता है दैट इज बिग. तो ये बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट हो गए, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो गए हैं और छोटे इंस्टीट्यूट भी वर्क करते हैं. तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कॉम्बिकल फूड सर्विस एंड नॉन कॉम्बिकल फूड सर्विस. ठीक है, कॉम्बिकल फूड सर्विस में क्या होता है, जो हम सेल्फ प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, जैसे आपने कोई होटल खोल लिया, ठीक है, वो आपके सेल्फ प्रॉफिट के लिए है, इट कम्स अंडर कॉम्बिकल फूड सर्विसेज. किसी ने होम बेस्ड अपना फूड डिलीवरी ओपन कर दिया, जैसे आप अभी देखते हैं जोमैटो एंड स्विगी में आपको ऑर्डर तो करते हो, ठीक है, आपने होटल का नाम देख लिया, कैफे डिलाइट एंड बहुत अच्छे अच्छे नाम देख लिए, आपने वहाँ से ऑर्डर कर लिया, आपके सामने एक इमेज आ गई कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा होटल दिख रहा है, बहुत अच्छा कैफे दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, मिस लग रहा है, आपने वहाँ से ऑर्डर कर लिया. बट एक्चुअल क्या होता है, दिस इज नॉट अ कैफे, दिस इज नॉट एनी होटल, वो आपने घर से ही सप्लाई कर रहा होता है. ये आपने सुना है, ये एक्चुअली हो रहा है. आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, लेकिन वो खाना भी झोपड़पट्टी से भी आ रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता. तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ स्वैगी एंड जोमैटो कि आप अपना नाम रजिस्टर करवा लो एंड डजंट मैटर आपका होटल कहाँ है, कैसा है, बस आपका नाम है वहां पर और आप इतना इतना फूड सर्विस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो. सो बी अवेयर अबाउट दैट. अगर आपको होटल पता है एंड उसका एरिया पता है, नाम पता है, तभी आप वहां से ऑर्डर करें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, बस नाम देख के आप उसे ऑर्डर कर देते हो. तो दिस टाइम इज अ कॉम्बिकल एस्टेब्लिशमेंट जो अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं. बहुत सारे कैफे है, ढाबा है, कैफे हाउस है, बहुत सारे रोड साइड वेंडर्स होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर कॉम्बिकल एस्टेब्लिशमेंट. कैटरिंग सर्विसेज है. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, कमर्शियल प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉम्बिकल है. कॉम्बिकल. ओके मैम, नॉट कमर्शियल. हाँ हाँ. ओके. सो कहाँ थे हम? तो ये प्रॉफिटेबल होता है, लाइक आपको प्रॉफिट कमाना है तभी आप ये रेस्टोरेंट या होटल ओपन कर रहे हो. नॉन कमर्शियल या नॉन कॉम्पिटिटिव एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट के अंडर जो वर्क करते हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो भी होता है, वो सेमी गवर्नमेंट में क्या आएगा या फिर गवर्नमेंट में क्या आएगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ऑर्फनेज, ओल्ड एज है होम्स, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट भी होते हैं, राइट, ऑर्फनेज भी होते हैं, स्कूल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज भी, दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू देयर वर्कर्स, दे ऑल्सो काउंट्स अंडर नॉन कॉम्बिकल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. और रेलवे भी तो आएगा ही. तो जहाँ पर गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है, एक्चुअली गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट नहीं होता है उसमें, नॉन प्रॉफिटेबल फंड में वो चलता है, या तो फंड पब्लिक से लिया जाता है या फिर गवर्नमेंट उसमें फंड लगाती है, ठीक है. तो इसमें ना गवर्नमेंट का फायदा है ना पीपल का वेस्टेज ऑफ मनी है. ये सिर्फ जस्ट लाइक नॉन प्रॉफिटेबल सर्विस जो हम बोलते हैं उस हिसाब से चलता है. और एक थर्ड वन होता है इज होम बेस्ड. तो होम बेस्ड में तो आपको पता है, जैसे नाउ अभी ट्रेंड में चल रहा है कि लोग बाहर से आइसक्रीम या केक लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बाहर से जो नमकीन होते हैं वो लेना प्रेफर नहीं कर रहे. पर पापड़ तो आपको पता है गृह उद्योग, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है होम बेस्ड का. तो लोग घर में पापड़ बना के सेल कर रहे हैं, केक बना के सेल कर रहे हैं, आइसक्रीम बना के सेल कर रहे हैं, सब नमकीन और वेफर्स बना के सेल करते हैं, तो दैट्स कम्स अंडर होम बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट.
देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कि हम एक जो है जहाँ से हमें खुद से प्रॉफिट कमाना है, एक जो गवर्नमेंट के बेस पे चलता है और एक जो हमारा घर का है. थर्ड द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट. हिस्ट्री मैंने कल भी आपको बताया था, इसका कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है. हिस्ट्री इज जस्ट लाइक कि पहले के जो लोग थे जब वो ट्रैवल करते थे तो उनके पास खाने के लिए ऑप्शंस बहुत कम होते थे, या तो वो कैरी करते थे या तो धर्मशाला में वो खाते थे. तो धर्मशाला में भी टाइम बाउंडिंग होता था, टाइम लिमिट होता था, तब तभी उनको वो खाना प्रोवाइड किया जाता था. अगर वो टाइम में नहीं आए या फिर टाइम लिमिट के बाद आ गए हो तो उन्हें फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता था. तो ये सारी चीजें देखते देखते लोगों के दिमाग में आइडिया आया एंड दे आर स्लोली स्लोली स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट की जो लोगों को फूड सर्विस प्रोवाइड कर सके, राइट. तो ये इसका एक हिस्ट्री हो गया. डेवलपमेंट ऑफ फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट ये होते गया कि पहले धर्मशाला बनी, फिर होटल बने, फिर बड़े रोड साइड वेंडर्स बने, फिर होटल, फिर बहुत बड़े वाले होटल इंस्टीट्यूट बनने लगे, फिर गवर्नमेंट भी फूड सप्लाई करने लगी. एंड द पीपल्स आर जॉइनिंग विद गवर्नमेंट कि दे आर डोनेट सम मनी और वो गवर्नमेंट को हेल्प करने लगे टू रन दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट किया है दैट इज अ ट्रेडिशनल एंड कल्चर और रिलीजियस फेवर. आपको पता है जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो हमें खाना बहुत जरूरी होता है, राइट. जैसे गणपति जी की अगर आपने बात कर ली, जब गणेश चतुर्थी आती है तो हमारे घर अभी क्या ट्रेंड है, गणेश जी ने हमको लोग को खाना खाने के लिए बुलाना है. तो वो क्या होता है, जब लॉट्स ऑफ पीपल का गेट टुगेदर होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम उन्हें क्या खिलाएंगे, राइट. बहुत सारी जगह पे हम बहुत सारे पीपल्स का ही मीटिंग भी होती है, सिंपल सी मीटिंग, तो उसमें भी पहले सोचा जाता है कि भाई हमें इनको फूड सर्व करना है, विदाउट फूड मीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ. टुडे तो वर्चुअल मीटिंग है तो नो वरी ऑफ फूड, बट जब भी हम फेस टू फेस गेट टुगेदर करते हैं तो हम हमेशा फूड के बारे में सोचते हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया. पहले अगर बहुत सारे लोगों को खाना खाने बुलाया जाता था तो पीपल्स आर डूइंग वर्क, लाइक पीपल खुद काम करते थे, खुद खाना बनाते थे, अदर पीपल्स आर कम टू सपोर्ट देयर. बट नाउ डेज ये धीरे धीरे खत्म होता गया और इसकी जगह ले ली है कैटरिंग सर्विसेज ने, राइट. कैटरिंग सर्विसेज अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, लाइक किसी की शादी हो, किसी के घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो तो कैटरिंग सर्विसेज को बुलाया जाता है और खाना बनाया जाता है, ना कि लोग आकर मिलकर बनाते हैं. ये पहले होता था, अभी नहीं होता. कोई भी छोटा मोटा रिलीजियस की फेस्टिवल अगर होता है 50 से 100 लोगों का तो ऑब्वियसली पीपल थिंकिंग फॉर अ कैटरिंग सर्विसेज, नॉट कि भाई इतने लोगों को जमा करके हम खुद ही बना लेंगे, है ना. और एक रॉयल स्टेटस के लिए भी लोग फूड का यूज करते हैं, लाइक किसी को बहुत ही रॉयल पार्टी देनी है तो ही वॉज थिंकिंग कि चलो भाई होटल में दी जाए इंस्टेड ऑफ घर पे दी जाए. तो ये भी एक डेवलपमेंट अभी हमें देखने को मिला है फूड में कि फूड कितना इम्पोर्टेंट हो गया है व्हेन वी गैदर द पीपल. हमें अगर अपना रॉयल्टी दिखाना है तो फूड इज देयर. अगर हम किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल, अगर उस शादी में हमने खाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, लाइक बहुत कम डिशेज है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं शादी अच्छी नहीं थी. वही अगर हम दूसरी शादी में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डिशेस होंगी, बहुत सारा खाना होगा, तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से निकलता है सर रॉयल मैरिज, ठीक है. डेकोरेशन तो एक साइड रहता है बट मेन फोकस कहाँ 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 किया जाता है शादी में, फूड के ऊपर. तो शादी में, शादी तो एक जगह रहती है बट फूड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. ये इज अ जनरल थिंग कि आपने भी फील किया होगा, एवरीबडी फील दैट कि हम शादी में जाते तो भाई जाते खाना खाने के लिए. सोशल चेंजेस, लाइक अगर हमें खाना खाना है, अभी का ट्रेंड है कि भाई हमें खाना खाना है तो हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, घर का खाना तो हम डेली खाते हैं, ठीक है.
क्योंकि होटल्स में हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है। घर पे हम भले ही चार पांच वैरायटी एक्स्ट्रा बनाएंगे, बट इफ वी आर गोइंग फॉर होटल्स तो वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज हमें मिल जाती है। तो ऑब्वियसली हमारे घर कोई गेस्ट भी आता है तो एक ना एक दिन हम होटल का प्लान करते ही है। नहीं प्लान किए तो अभी का जो कंडीशन चल रहा है तो हम एटलीस्ट ऑर्डर तो भी कर देंगे। और इंडस्ट्रीज में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वर्कर्स को फूड दिया जाता है, उनका डे मील होता है या फिर ब्रेकफास्ट में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा कैंटीन वो लोग अरेंज करते हैं अपनी ही इंडस्ट्री में, ताकि उनके जो एम्प्लॉय है उनको इसका बेनिफिट मिल सके। उनके पैकेज में वो उसे इंक्लूड करते हैं कि वन टाइम लंच मींस लंच फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, या फिर डिनर और ब्रेकफास्ट एनीथिंग। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी ये सारी फूड फैसिलिटीज गवर्नमेंट देने लगी है, ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर अच्छे से अच्छा फूड देना, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, क्योंकि पेशेंट को अगर ठीक करना है, रिकवर करना है, तो ऑब्वियसली डाइटिशियंस आर देयर, किचन इज देयर जो कि मैनेज करता है पेशेंट का फूड। एजुकेशन के टाइम पे भी अभी आपने देखा होगा स्कूल में भी खिचड़ी और मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, दे आर प्रोवाइडिंग इवन मिल और एग टू देयर स्टूडेंट्स। तो स्कूल में फूड को इंक्लूड करना इज जस्ट बिकॉज स्टूडेंट बच्चों को अट्रैक्ट करना स्कूल जाने के लिए, या फिर उनके माँ बाप को इंकरेज करना कि भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो फूड इज अ सोर्स। तो ऐसा नहीं कि फूड हमें हमारे घर में ही देना है या फिर हमें हमारी इच्छा के लिए खाना है, हम हमारा पेट भरने के लिए खाना है, बट फूड अगर जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है देर इज अ अट्रैक्शन, देर इज अटैचमेंट, देर इज सम बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल, ठीक है। अगर आप किसी के घर जाते हो बहुत दिन के बाद, उसने अगर आपको नाश्ता नहीं कराया तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। अगर वो नाश्ता कराता है और बहुत सारा टाइम आप स्पेंड करते हो तो देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन यू। तो फूड बहुत हेल्प करता है बॉन्डिंग बनाने के लिए एंड ग्रोथ के लिए। अभी अगर हम देखें रिसेंट ट्रेंड्स, तो पहले तो सिर्फ होटल ढाबा एंड धर्मशाला ही हम देखते थे। ओके स्लाइड्स आर फिनिश्ड नाउ। ओके सो इतना समझ में आया? यस मैम। ओके सो अभी रिसेंट ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं फूड्स के, तो क्या होते हैं होटल्स धर्मशाला ढाबा तो हमको पता ही है, ये पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में इतने सारे ट्रेंड्स आ गए हैं लाइक कैफेटेरिया, कैफे, कैफे का भी ट्रेंड चलो बहुत पुराना है बट हमारे दिया गया है, तो कैफे ऑल्सो अ न्यू कंसेप्ट कि जहाँ पर आपको पर्टिकुलर फूड ही प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आपको ओनली पर्टिकुलर फूड प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कोई साउथ इंडियन होटल है तो दे आर प्रोवाइडिंग ओनली साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन होटल है दे आर प्रोवाइडिंग ओनली नॉर्थ इंडियन फूड, मैक्सिकन होटल है दे आर प्रोवाइडिंग ओनली मैक्सिकन, इटालियन, और जैसे अभी हम देखते हैं कि पिज्जा हट है, डोमिनोज है, तो यहाँ पर ओनली उसी काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उसके क्राइटेरिया में फिक्स होता है। तो ये जो सारे होटल्स है, और हाँ और वन मोर थिंग, फ्रेंचाइजिंग होटल, फ्रेंचाइजिंग होटल का मीनिंग पता है आपको? एनीबडी? नो मैम। हाँ फ्रेंचाइजिंग मीन्स क्या होगा, जैसे हम लोकल बेस पे देखें तो हल्दीराम, ठीक है, हल्दीराम एक ही पर्सन है लेकिन उनके होटल्स कहाँ कहाँ पर है, हर जगह पर फैले हुए हैं, राइट। वो फॉरेन में भी फैला हुआ है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी। अगर आपको भी हल्दीराम का होटल ओपन करना है तो हाँ यू कैन, ऑफकोर्स आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी हल्दीराम से, तो आप एक हल्दीराम का होटल ओपन करोगे जो कि आपके नाम पर नहीं होगा, हल्दीराम का होगा, बट आप उसे चला रहे होंगे, उसका प्रॉफिट आप ले रहे होंगे, उनके कुछ रूल्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे जो कि आपको फॉलो करने होंगे। सेम इज मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये क्या है, फ्रेंचाइजिंग होटल्स हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप देखो, आप मैकडॉनल्ड्स में जाओगे तो आपको साउथ इंडियन फूड प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। उसने जिससे फ्रेंचाइजी लिया है वहां पर इतना ही क्राइटेरिया है कि आपको ये फूड प्रोवाइड करना है, इतनी डिशेस प्रोवाइड करना है, तो आप उतना ही प्रोवाइड कर सकते हो। बस आप हमारा ये नाम चला सकते हो, प्रॉफिट जो होगा वो आप लोगे, ठीक है? तो दैट्स आर कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग होटल्स। मोती महल, निर्मुल्स, दिस ऑल आर फ्रेंचाइजिंग होटल। ओके, और रिसेंट ट्रेंड में अभी हम देख रहे हैं जोमेटो स्विगी, ठीक है? होम डिलीवरी रिसेंट ट्रेंड नाउडे। अभी के सिनेरियो में होम डिलीवरी इज एसेंशियल, होम डिलीवरी ही स्टार्ट है, होटल्स वाले खाली बैठे हैं, बस वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने होम डिलीवरी में अपने होम से ही खाना बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लिया है। मेज, ठीक है, अभी इतने हाईटेक मेज हो गए हैं कि पीपल्स इजीली कंज्यूम द फूड। पहले का जो मेज होता था, आई डोंट नो आपने मेज का खाना खाया है नहीं खाना खाया है, बट कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो बोलेगा नहीं आई लाइक द मील ऑफ मेज, ठीक है? उसे हमेशा कंप्लेन होती थी मेज के मील से, बट नाउडेज इतने अच्छे मेज आ गए हैं जो कि इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन दे आर प्रोवाइडिंग fruits, foods and diet tiffin also. So वो उनके लिए अच्छा हो जाता है। एक होटल लाइक को सर्विस भी वो प्रोवाइड करते हैं कि if you want today this kind of meals, so okay, we are giving you. और recent trend में और आप क्या बता सकते हो? और कुछ example जो आपको अच्छा लगा हो recently, food services जो आपको भी मिला है? रेलवे में, रेलवे में इतना अच्छा ऑप्शन आपको मिला है कि आपको सारे फूड वहां पे अवेलेबल है। इवन अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप ट्रेन में बैठ के भी दूसरी चीजें ऑर्डर कर सकते हो, राइट? ये आपको कंसेप्ट पता है? अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप डोमिनोज भी मंगा सकते हो, आप पिज्जा हट भी मंगा सकते हो, बस आपको ऐप के थ्रू से चलाना है, आप ऑर्डर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो गुड सर्विस। रिसेंटली रेलवे में फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, आपको बहुत सारी चीजें रेलवे में मिल जाएंगी। पहले सिर्फ रेलवे का फूड लिमिटेड होता था, बट नाउ इट्स नॉट लिमिटेड, आप दूसरे स्टेशन से भी उसे ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको मिल जाएगा। तो दिस ऑल आर रिसेंट ट्रेंड्स जो कि अभी चल रहे हैं फूड के लिए। फूड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होते रहेगा। अभी हमें सिर्फ इतना ही है, पता नहीं आगे ऐसे भी सर्विसेज आ जाए कि हम बस हमारा खाना भी हमें बनाने की जरूरत न पड़े, रेडी टू ईट फूड हमें हमारे घर भी मिल जाए। हाँ, तो अभी जैसे पैकेजिंग फूड आपको पता है, आपने ऐड देखा होगा पास्ता का, पास्ता को ओनली ओवन में रखो और पास्ता इज रेडी टू ईट, ठीक है? देखा है आपने ऐड? हाँ, तो ये भी एक रिसेंट ट्रेंड है जो कि फूड में आया है कि आपको बस उसे बॉईल करना है या फिर ओवन में रखना है और वो आपको रेडीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस ऑल इज अबाउट फूड सर्विस इंस्टीट्यूट्स और वेरियस टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम। तो डिलीवरी सिस्टम के भी दो तीन टाइप है जो मैंने आज उसका पीडीएफ नहीं बनाया है, तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, बस खत्म हो गया। और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है या फिर और कुछ पता करना है अबाउट दिस? एक्चुअली मेरे नोट्स पूरे बने नहीं हैं, तो मैं आपको थोड़े थोड़े पार्ट में ही अभी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तो मुझे इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। तो जितना मुझसे पीडीएफ बनता है मैं उतना ही आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फूड सर्विस सिस्टम अपना हो गया है, कल हम देखेंगे फूड डिलीवरी सिस्टम, मेनू प्लानिंग एंड फूड मैनेजमेंट, ठीक है? ये नेक्स्ट पार्ट सेम मॉड्यूल का नेक्स्ट पार्ट है। तो डिलीवरी सिस्टम भी, हाँ बोलो मैम, एक डाउट था, मतलब आपने अभी जो हमें बताया टाइप्स ऑफ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एंड होम बेस्ड, मैम एक था डाउट कि मतलब टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम में मैंने एक पढ़ा उसमें कन्वेंशनल, कमर्शियली रेडी प्रिपेयर्ड एंड असेंबली सर्व और फूड डिलीवरी सिस्टम
में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है? सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, ओके वो भी मैं सर्च करती हूँ। हाँ ओके मैम, मतलब आपने बताया वो सही बताया। एक्चुअली मुझे डाउट था कि मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट के टाइप्स हो गए, अभी जैसे कंटेंट में जो दिया अपने सिलेबस में टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम और फूड डिलीवरी सिस्टम, तो आप हमें फिर बताओगे तो नेक्स्ट इसमें। हाँ ये नेक्स्ट इसमें आएगा, फूड डिलीवरी सिस्टम में, सर्विस सिस्टम में। अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ फूड सर्विस इंस्टीट्यूट एंड देयर सर्विस सिस्टम देखा है। फूड डिलीवरी सिस्टम के दो टाइप, वो कल मैं उसका पीडीएफ बनाकर आपको बता दूंगी, मे बी मेनू प्लानिंग भी कल हो जाएगा। मेनू अभी तक आपने मेनू प्लान किया है क्या? यस मैम, यस मैम किया है हम लोगों ने। ओके तो आपको पता ही होगा हाउ टू प्लान द मेनू, बस वो आपने डिशेज वाइज किया होगा या आपने होटल वाइज करना है, सो वेरी डिफरेंट, वो अलग है और ये अलग है। तो आज के लिए इतना ही है, कल मैं आपको और एक्स्ट्रा या फिर देखेंगे अगर और ज्यादा हो सकता है सिलेबस का एक्स्ट्रा पार्ट तो वो भी उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके आपके पास कोई बुक है इसका? मैम कुछ नोट्स मतलब कुछ है, हम आपको शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, आप हमें पढ़ा देना। हाँ। तो ये नोट्स आप किसने दिया है? मैम एक्चुअली ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना टॉपिक सारे। ओके 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 हाँ। तो इफ यू हैव नोट्स ना, तो मेरा नंबर तो नहीं होगा आपके पास, जस्ट राइट माय नंबर। मैम सर को आप एक बार बोल देना कि ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, मतलब एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, तो आप नोट्स भी उसी के थ्रू भेज सकते हो। हाँ तो वो सर मुझे अभी ऐड नहीं करेंगे, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो तो चलेगा। यस मैम ठीक है, मैं नंबर दे दूँ? यस 7 7 9 8 0 5 9 3 7 3 Okay. I repeat, 7 7 9 8 0 5 9 3 7 3 Thank you, ma'am. Okay. क्योंकि हमारे पास जो बुक है उससे रिलेटेड हमारा डाइटेटिक्स में मास्टर है, तो इतना इसमें डीप में नहीं दिया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमको था पर इतना डीप नहीं था, तो इफ यू हैव अ डीप नोट्स तो मुझे दे दो तो मैं उसे प्रिपेयर कर। Your name? Chaitali, ma'am. Chaitali. Okay. So, अभी क्लास क्लोज करते हैं, चलो कल मिलते हैं, ओके? बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय बाय, वेलकम।